हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजलि नर्सिंग क्लासेस। मैं हूं अंजलि और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपने इस टॉपिक को, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमें इसमें से बेसिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं एंड फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कैसे हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उससे पता चला होगा कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है तो ब्लड में जितने भी उसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं उन सबको ट्रांसफ्यूज किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट कि जो पर्सन है जिसको हमें ट्रांसफ्यूज करना है उसको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी नीड्स है, क्या उसको होल ब्लड चाहिए, आरबीसी चाहिए, डब्ल्यूबीसी, होल ब्लड में सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं या फिर इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट। क्योंकि आपको पता है ब्लड के अंदर थ्री कॉम्पोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एंड मेनी टाइम्स जो पर्सन होते हैं उनको प्लाज्मा भी चाहिए होता है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये ट्रांसफर किया जाता है या फिर हो सकता है कि हम अपना भी खुद का ब्लड खुद ही ट्रांसफर कर सकते हैं। वो अभी हम टाइप्स ऑफ ब्लड मतलब कि ट्रांसफ्यूजन में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अभी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसमें हम सारे कंपोनेंट उसके ट्रांसफ्यूज करते हैं। इंडिकेशन क्या होती है कि कब रिक्वायरमेंट होती है, इंडिकेशन का मतलब है कि हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी रिक्वायरमेंट कब होती है। ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए, मतलब कि जो ब्लड वॉल्यूम है ऑलरेडी उसको मेंटेन करने के लिए, अगर वो लॉस हो रहा है तो जो उसकी जितना वो अमाउंट होना चाहिए उतना उसको मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर ब्लड वॉल्यूम लॉस होता चला जाएगा तो जो पर्सन है वो शॉक में चला जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, और इवन तक उसकी डेथ भी हो सकती है। टू रेज द एचबी एंड ल्यूकोसाइट काउंट्स, तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा पर्पस होता है मेनी टाइम्स कि हमें पर्पसफुली करना पड़ता है। अगर पर्सन कोई भी एनिमिक है उसमें एचबी का अमाउंट कम है या डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम है तो हम वो रेज करने के लिए, प्लेटलेट का अमाउंट कम है तो रेज करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। टू ट्रीट डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन क्लोटिंग फैक्टर, ये सारे के सारे जो ब्लड में कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो ये सारे के सारे कॉम्पोनेंट को ट्रीट करने के लिए हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन क्लोटिंग फैक्टर जो भी ब्लड के अंदर कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एंटीबॉडीज भी दे सकते हैं थ्रू हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर रिक्वायरमेंट है तो। टू रिप्लेस द ब्लड विद हीमोलाइटिक एजेंट्स विद फ्रेश ब्लड एक्सचेंज, एक्सचेंज ब्लड मतलब कि होता है एक, वो भी कर सकते हैं हम लोग फ्रेश, ठीक है, अगर रिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस हो गया है तो इस केस में। तो ये सारे के सारे जो इसकी इंडिकेशंस है कि हम कौन कौन सी इंडिकेशन में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। अब ब्लड ग्रुप क्या होता है एंड यसिस फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा आरबीसी होता है, मान लो नॉर्मल ये आरबीसी का सेल है, ठीक है, ये आरबीसी होता है, इसके जो सरफेस है ना, ये सरफेस है, ये जो जो राउंड राउंड मैंने बनाया हुआ है ये ऑलरेडी, ये सरफेस होता है ना, इस सरफेस पे मतलब कि अगर एंटीजन कहो या एग्लूटिनोजन कहो वो सेम चीज है, इसकी सरफेस पे एंटीजन या एग्लूटिनोजन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मतलब कि मैं एक ह्यूमेन हूँ या आप एक ह्यूमेन है, अगर हम हमारे जो आरबीसी है इसके सरफेस पे कोई ना कोई एंटीजन प्रेजेंट होता है, अगर मान लो ए एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब जो ब्लड ग्रुप का टाइप होगा वो ए होगा, बी प्रेजेंट है तो बी होगा, ठीक है, और ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो दोनों होंगे, और कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो ओ होगा, ठीक है। तो इससे भी आपको पता चलता है कि आरबीसी के सरफेस पे जोन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसी से हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा एंटीजन। अब अगर हमारा एंटीजन ए है तो कॉमन सी बात है कि जो एंटीबॉडी होगा बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा वो बी होगा, जिसकी बॉडी में ए एंटीजन है उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी होगी वो बी होगी, ठीक है। अगर बॉडी में बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए होगी, अगर ए और बी दोनों के दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, और अगर जैसे कि मैंने बताया ए और बी दोनों ही एंटीजन नहीं होते तो ओ ब्लड ग्रुप में आते हैं, तो जो जिनका ओ ब्लड ग्रुप होगा मतलब कि ए और बी मतलब सरफेस पे ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है तो उन लोगों को ओ ग्रुप में डाला जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव अभी मैं आपको बताऊंगी, वो ओ मतलब ब्लड ग्रुप में आते हैं तो उसमें दोनों की एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ए की भी एंड बी की भी, ठीक है। तो आप एंटीबॉडी कहो या फिर एग्लूटिन ग्लूटिनिन्स कहो, ठीक है, ये सेम है। तो ये आपको समझ में आएगा कि जो आरबीसी होता है उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे एंटीजन, जिस भी कैटेगरी का एंटीजन कॉमनली प्रेजेंट। देखो वैसे तो ब्लड ग्रुप बहुत टाइप के होते हैं लेकिन जो मेजरली 90 मोर देन 98% पर्सन में ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं ये चार ब्लड ग्रुप ही मिलते हैं, ए बी ए बी
एंड ओ, ठीक है। तो जो भी ये इनमें से प्रेजेंट होगा सरफेस में वो हमारा ब्लड ग्रुप कहलाया जाएगा, ठीक है। और जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं इनको एंटीजन कहते हैं, और जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट जो होगा वो एंटीबॉडी। ए प्रेजेंट है तो अगेन एंटीबॉडी बी होगी, बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए होगी। अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। एंड अगर ए और बी में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब जो एंटीबॉडीज है वो ए एंड बी दोनों होगी। अब आता है रिसेस फैक्टर, आरएच फैक्टर। ये क्या होता है? जो हम ह्यूमन बींग्स हैं नॉर्मली मोर देन 80 to 85%, ठीक है, 80 to 85%, अगर ये आरएच फैक्टर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, अगर हम ब्लड में चेक करते हैं इसका कि अगर ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो उनको हम पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। अगर ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उनको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, जो हम डिफाइन करते हैं इसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है कि ए नेगेटिव, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? आरएच फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है और सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव, और लेकिन आरबी मतलब कि आरबीसी के जो सरफेस है उसके ऊपर ए एंटीजन तो प्रेजेंट है लेकिन आरएच फैक्टर नहीं है बॉडी के अंदर प्रेजेंट, तो इसमें ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। ऐसे सबके साथ है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो इसलिए ये सारी की सारी जो सीक्वेंस होती है ये आरएच फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव। तो आपको ब्लड ग्रुप एंड ये समझ में अच्छे से आया होगा कि कौन से कैसे ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। वन मोर थिंग कि जो हमारा ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, एंड जो ए बी पॉजिटिव होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ये मैनी टाइम्स हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डीएसएसबी में, ईएसआई में, इवन नोरसेट में भी आते हैं। ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, बेसिक थ्योरी से आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। अब हमारा जो इसमें आता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि ब्लड टाइप क्या है, एंड क्रॉस मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम दूसरे पर्सन का जब भी ब्लड लेते हैं तो ये क्रॉस मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो ब्लड जो है वो सेम उसका है कि नहीं। अब मान लो मेरा ब्लड ए ए पॉजिटिव है और मैं ए नेगेटिव का या बी नेगेटिव का या किसी और ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है तो मुझे हीमोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि उसमें मेरे अगर मान लो मेरा ए पॉजिटिव और मुझे बी पॉजिटिव का ब्लड लग गया मतलब ट्रांसफ्यूज हो गया तो मेरे सरफेस पे ए एंटीजन था लेकिन बी तो एंटीबॉडी थी ना, और वो बी ब्लड हम मैंने ट्रांसफ्यूज करवा लिया तो एंटीबॉडी वाला ब्लड मैंने ट्रांसफ्यूज करा लिया तो इसकी वजह से हीमोलाइटिक रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ब्लड टाइप और क्रॉस मैचिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक मस्ट पार्ट है, ये तो होना ही होना है बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। सिलेक्शन करना ब्लड डोनर का, जो ब्लड डोनर है उसका सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसमें क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना होता है कि उसको कोई भी हेल्थ डिजीज ना हो, एसटीडी तो स्पेशली ना हो, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफिलिस हो गया, ठीक है, एचआईवी हो गया, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस ए, वीडीआरएल, इनमें से कोई भी उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा हिपेटाइटिस बी एंड सी, इससे ये होगा कि जो उस पर्सन को प्रॉब्लम्स हैं, जो ये है मतलब हेल्थ इश्यूज है, ये डिजीज है, ये ट्रांसफर हो जाएंगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद उस पर्सन को सेम, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड डोनर जो डोनेट करता है उसका एचबी एटलीस्ट 12 ग्राम पर डेसीलीटर से अबव होना चाहिए, ठीक है। अभी और भी ये सब चीजें मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, ये कुछ चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये सब चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वह 3 मंथ में, लास्ट 3 मंथ्स में उसने ब्लड डोनेट ना किया हो, क्योंकि इतना फ्रिक्वेंटली भी हम ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते, इसका भी एक ड्यूरेशन है कि इतने ड्यूरेशन में ही ब्लड को आपको डोनेट करना है, अगर आप डोनेट करना चाहते भी हो और आप हेल्दी हो, वेलबींग हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड प्रोडक्ट्स फॉर ट्रांसफ्यूजन, कौन कौन से ब्लड प्रोडक्ट है जो ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आता है होल ब्लड, होल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट कंप्लीट ब्लड, जो मतलब कि एग्जैक्ट ब्लड आपको ट्रांसफ्यूज किया जाता है, इसके अंदर
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये है ना, बहुत कम ट्रांसफ्यूज किया जाता है, वेरी रेयर केसेस में एक्यूट हेमरेज हो गया है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा ही डिप्लीट कर गया है, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए ब्लड वॉल्यूम को या ब्लड प्रोडक्ट्स को, तब हम इसको होल ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। एक यूनिट के अंदर ऑलमोस्ट 350 ml ब्लड होता है एंड 50 ml प्रिजर्वेटिव एड ऑन किए जाते हैं। ये जो प्रिजर्वेटिव है ये क्यों एड ऑन किए जाते हैं ब्लड के अंदर, ये क्वेश्चन भी आता है प्रिजर्वेटिव का नाम पूछ के कि इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब मतलब कि देखो, मेरे अंदर जो ब्लड है वो कंटिन्यूस सर्कुलेट कर रहा है, पंप कर रहा है, वो एक जगह स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। तो अगर ब्लड को विड्रॉ कर लिया और वो एक पैकेट के अंदर ही रखा जाता है, स्टेरिलिटी मेंटेन की जाती है, सारे प्रोसीजर मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन अगर हमने प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया तो वो मतलब जो ब्लड होगा वो यूजेबल नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जो उसमें एड ऑन होता है वो सिट्रेट होता है। सिट्रेट का क्या काम होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है नॉरसेट में, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अभी रिसेंटली आरएमएल, पीजीआई लखनऊ और नॉरसेट के एग्जाम भी, मतलब नॉरसेट का तो क्या नेक्स्ट ईयर है, पीजीआई, आरएमएल और एक और हॉस्पिटल है जिपमेर में अभी एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में, तो उनमें इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सिट्रेट क्यों ऐड किया जाता है, मतलब एज ए प्रिजर्वेटिव, क्योंकि सिट्रेट क्या करता है, सिट्रेट है ना बाइंड करता है कैल्शियम को। कैल्शियम हमारा एक क्लोटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ना अगर मतलब कि जो कैल्शियम होता है ये ब्लड को क्लोट कर देगा, अगर हम विड्रॉ करके ब्लड को रख देंगे ना थोड़ी देर, तो ये अपने आप एक्टिवेट होकर ब्लड को क्लोट कर देगा। तो इसलिए सिट्रेट को ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सिट्रेट को ऐड नहीं किया तो ब्लड क्लोट हो जाएगा और वो फिर यूज नहीं किया जाएगा। तो सिट्रेट को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि वो कैल्शियम को बाइंड कर सके, ठीक है। इसकी वजह से बल्कि हाइपोकैल्शियमिया भी देखने के लिए मिलता है, जो आगे मैं कॉम्प्लिकेशन में डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से, ठीक है। फिर डेक्सट्रोज ऐड किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। डेक्सट्रोज क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि जो आरबीसी होती है हमारी ब्लड के अंदर, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज की, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर, एंटायरली बॉडी के अंदर दो सेल्स ऐसी होती है, आरबीसी एंड न्यूरोन्स, ये दो सेल्स ऐसी है जो डायरेक्टली डिपेंड होती है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के ऊपर, अदर देन ग्लूकोज वो किसी और से एनर्जी नहीं इनटेक कर सकती, इसलिए इनकी सर्वाइवल के लिए, आरबीसी के लिए डेक्सट्रोज को एड ऑन करना जरूरी है। क्योंकि अभी मान लो मैं हूं, मेरे अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, तो कंटिन्यूस हम लोग इनटेक करते रहते हैं, ग्लूकोज लेते रहते हैं, ट्रांसफ्यूज कर देंगे हम उसको, एक पैक में बंद कर देंगे, तो वो जो उस वक्त डेक्सट्रोज ट्रांसफर हुआ है वो उसको यूज कर लेगी, यूटिलाइज करने के बाद फिर वो जल्दी डेड हो जाएंगे और फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। जो फॉस्फेट है और एडिनाइन है, ये इसकी वाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है, क्योंकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है होल ब्लड होता है, वैसे तो अगर ये एड ऑन ना किए जाए तो 21 डेज में ऑलमोस्ट हम लोगों को ट्रांसफ्यूज कर देना होता है, लेकिन ये इसकी वाइबिलिटी इंक्रीज करके 45 डेज तक इंक्रीज कर देती है, ठीक है। एडिनाइन जो होता है वो एटीपी की फॉर्म में होता है, फॉस्फेट, ये दोनों मिलके इसकी वाइबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए चार कॉम्पोनेंट यूज एड ऑन किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव में। नेक्स्ट आता है पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो पीआरबीसी होता है ये किस लिए किया जाता है, आपको पता चल रहा है, मेन आरबीसी, सिर्फ आरबीसी कंपोनेंट इसमें ट्रांसफ्यूज किया जाता है, अदर कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज नहीं किए जाते, ठीक है। तो रिप्लेस किया जाता है इरिथ्रोसाइट एंड इन्फ्यूज इन 2 to 4 आवर्स। जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम लोग, जो ये पीआरबीसी या होल ब्लड होता है, ये हमें 4 घंटे के अंदर अंदर ये ट्रांसफ्यूज करना होता है। अगर हम इसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर दे 4 आवर्स से, अगर हम 6 आवर्स इसको कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें सेप्टिसीमिया या बैक्टीरिया ग्रोथ होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो कोई पर्सन होता है जिसको ट्रांसफ्यूज होता है, क्योंकि देखो इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए हैं, डेक्सट्रोज इसमें ऐड किया गया है और भी इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए, तो ये एक वो बन जाता है, कैरियर की तरह काम कर सकता है ये इन्फेक्शन को डेवलप करने में, तो इसलिए ये एक इंडिकेशन होती है कि विद इन 4 आवर्स, इससे अगर स्लो में हम करेंगे 2 to 4 आवर्स से अगर कम टाइम हमने लिया, तो पेशेंट को डिसरिथमिया हो जाएगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि एकदम ट्रांसफ्यूज करने की वजह से, इसलिए ये एक फिक्स ड्यूरेशन है 2 to 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 है, 4 से ज्यादा हम नहीं लेते, 4 से ज्यादा में अगर करेंगे तो इसका क्या होगा, सेप्टिसीमिया होने के ज्यादा चांस रहते हैं या इन्फेक्शन डेवलप होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं पेशेंट को सेप्सिस, ठीक है। एक यूनिट में 250 ml होता है। अगर हमने एक यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है तो हमें ये भी पता होना चाहिए ये
क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अगर एक यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज किया तो पेशेंट का कितना एचबी इंक्रीज होगा। ऑन एन अप्रोक्स 1 ग्राम होता है, एग्जैक्टली 0.9 मतलब 9 ग्राम होता है। ऑन एन एवरेज इसको हम 1 ग्राम पर डेसीलीटर एचबी हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आपने ट्रांसफ्यूज किया आप चेक करोगे ब्लड निकाल के तो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के 4 से 6 घंटे बाद अगर आप लैब वैल्यू चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 1 ग्राम एचबी है वो इंक्रीज हो गया है। हाँ, और पीआरबीसी देने का फायदा होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस रेट से हमें इसका एचबी इंक्रीज करना है और हमें कितने ट्रांसफ्यूजन की और रिक्वायरमेंट है। और जो हिमेटोक्रिट होता है हमारा, ठीक है, वो कितना परसेंट बढ़ता है, 3% बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसका मतलब कि सिर्फ प्लेटलेट जो हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, प्लेटलेट हम कब करते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, मतलब कि जब प्लेटलेट का काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है नॉर्मल से। नॉर्मल काउंट कितना होता है, 1.5 to 4 लाख होता है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल काउंट होता है किसी भी पर्सन के अंदर कि 1.5 से 4 लाख तक प्लेटलेट होती हैं। अगर ये 1.5 से बिलो हो जाती है किसी भी कंडीशन में, कोई भी डिजीज कंडीशन होगी लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, इन सारी कंडीशन होती है, या और भी कोई रीजन हो गया, कैंसर हो गया, या कोई ऐसी मेडिकेशन पे है जो कोज कर रही है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो उन केसेस में ये प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज की जाती है। एक यूनिट बैग में कितना होता है, 50 to 70 ml से लेके 200 to 400 ml तक हम कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना उसको अभी हम दे सकते हैं और हमें कितनी उसके प्लेटलेट इंक्रीज करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं। अगर हमने एक यूनिट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया तो कितना प्लेटलेट बढ़ता है, क्योंकि हमें ये हमें आउटपुट पता होगा तभी तो हम वो ट्रांसफ्यूज करेंगे ना। ट्रांसफ्यूज करने के बाद हमें पता होना चाहिए कि इतना प्लेटलेट तो बढ़ना ही चाहिए था, तो 5,000 से लेके 10,000 per mm³ ये इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक ये है कि 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर ट्रांसफ्यूज कर देना होता है, इससे डिले हमें नहीं करना है इसको। फिर आता है फोर्थ कैटेगरी जो ब्लड की, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको FFP भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये प्रोवाइड करता है क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, एंड वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है। तो जो क्लोटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या क्लोटिंग फैक्टर कम हो गए किसी डिजीज की वजह से, ठीक है, तो उस कंडीशन में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये प्लेटलेट कंटेन नहीं करता है, इन्फ्यूज करते हैं विद इन 2 आवर्स ऑफ थॉइंग ओवर ए पीरियड ऑफ 15 to 30 मिनट। मतलब कि जैसे ही हम लोगों ने विड्रॉ किया है, इसको विड्रॉ करने के बाद 15 से 30 मिनट में हम लोग इन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मतलब 1 ईयर तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं अगर इसका टेम्परेचर अगर मेंटेन करे तो। और चेक करना होता है हमें पीटी और पीटीटीटी एंड कोगुलेशन स्टडीज, मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, हमें ये सब चेक करना होता है इसमें। ये जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है उसको जब हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हमें ये ब्लड वैल्यूज चेक करनी होती है। लेकिन ये जो ब्लड वैल्यूज होती है ये क्यों चेक की जाती है, पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्यों चेक किया जाता है, ये इसलिए चेक किया जाता है ताकि हम लोग ये असेस कर सकें कि जो ब्लड है अगर वो साइड से ब्लीड कर रहा है तो उसको क्लोट होने में कितना टाइम लग रहा है। अगर बहुत ज्यादा जो नॉर्मल जो टाइम होता है क्लोटिंग का, अगर उससे ज्यादा वो समय ले रहा है तो हमें और ज्यादा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की FFP की जरूरत है ट्रांसफ्यूज करने की। और अगर वो धीरे धीरे करके नॉर्मल टाइमिंग में आ रहा है तो हमें इतनी रिक्वायरमेंट, मतलब वो हमें पता, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हम ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं या हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया तो कर दिया है तो उसके क्या इफेक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट्स ये भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं अप टू 1 ईयर तक, एडमिनिस्टर करना होता है 15 से 20 मिनट के लिए और यूज करते हैं रिप्लेस करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर, स्पेशली Factor VIII एंड फिब्रिनोजन, ठीक है। तो वो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का भी यही काम है, इसका भी यही काम है, लेकिन अगर स्पेशली इसमें 2 चीजें दी गई है, Factor VIII एंड फिब्रिनोजन को ज्यादा इसमें मतलब ट्रांसफ्यूज होते हैं, इसके अंदर जो क्वांटिटी इसकी ज्यादा होती है, ठीक है, और उसमें अदर जो मतलब नॉर्मल क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं, तो दोनों उसी के लिए यूज किए जाते हैं, तो डिपेंड करता है। और दोनों का जो स्टोर करने का टाइम है ऑलमोस्ट 1 ईयर होता है। फिर आता है ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स WBC में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कब ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं, जब कोई पेशेंट न्यूट्रोपैनिक है, ठीक है, एंड
रिस्पॉन्स टू नॉट रिस्पोंडिंग टू एंटीबायोटिक्स, मतलब कि जब भी उसकी इम्यूनिटी लो हो गई है और उसको ग्रेन्यूल्स की जरूरत है, ठीक है, तो न्यूट्रोपेनिक का मतलब है लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो कब एक्टिवेट होती हैं? जब बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन एडमिनिस्टर कर जाता है तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले एक्टिवेट हो जाती हैं। तो न्यूट्रोपेनिक का मतलब है कि इसका अमाउंट कम हो जाना, तो बॉडी सिस्टम जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो वीक पड़ जाना, और एंटीबायोटिक हम लोग दे रहे हैं फिर भी वो मतलब कि वो एंटीबायोटिक को रिएक्ट नहीं करे, तो उन केसेस में हमें जरूरत पड़ती है ग्रेनुलोसाइट्स को ट्रांसफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने एक स्मॉल टेबल बनाई है जिसमें एक शॉर्ट उसमें दिया हुआ है कि जो होल ब्लड होता है उसका टेम्परेचर 226 33 डेज के लिए हम स्टोर करते हैं, आरबीसी का भी सेम, पर 42 डेज तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होती है वो 22 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर की जाती है, 5 डेज तक ही उसको स्टोर किया जाता है। डब्ल्यूबीसी को 2 to 8 एंड सेम डे यू इन्फ्यूज करनी होती है डब्ल्यूबीसी। इसको हम ऐसा नहीं है कि कल परसों तक यूज करें, सेम डे, ये सेम है। सो दिस इज सेम नॉट एन एफ एफ पी एंड क्रायो प्रेसिपिटेट मैंने आपको बता दिया था, 1 ईयर की इनकी ड्यूरेशन है, 20 to 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कौन कौन से टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन है जो किए जाते हैं? ऑटोलोगस का मतलब होता है खुद को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना, मतलब मान लो मेरे को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, मुझे पता है मैंने प्लान किया कोई सर्जरी, ठीक है, तो मैं खुद का ही ब्लड विड्रॉ करा के उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और फिर खुद ही अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज कर लेते हैं। ठीक है, ब्लड सैल्वेज में क्या करते हैं? ब्लड सैल्वेज में ये मेडिकल एक तरह से वो है ट्रीटमेंट, आईओएस कहते हैं, आईओएस मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी जो ब्लड मतलब कि वेस्ट हो रहा है, क्योंकि देखो सर्जरी के टाइम पे ब्लड लॉस एक कॉमन है कि इतना, और सर्जन को भी पता होता है, पेशेंट को भी ये इन्फॉर्म किया जाता है कि यूजुअली इतना ब्लड लॉस इस सर्जरी में होता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बिफोर सर्जरी एचबी भी चेक करते हैं और हमें पता होता है कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अभी रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी भी पड़ सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड लॉस हो रहा है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करके स्टोरेज करके देन फिल्टर करके फिर री इन्फ्यूज उसी पर्सन को कर देते हैं उसका ब्लड। तो ये यूटिलाइजेशन का एक तरीका है जिसको हम ब्लड सैल्वेज बोलते हैं। ठीक है, देन आता है डेजिग्नेटेड डोनर। जो डेजिग्नेटेड डोनर होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है डेजिग्नेटेड डोनर में क्या होता है, यूजुअली ये जो पॉलिसी है वैसे बहुत कॉमनली फॉलो भी होती है, कोई फैमिली मेंबर्स वो ब्लड डोनेट कर देते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जो मतलब कि ब्लड बैंक होता है उसमें ब्लड ग्रुप तो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनको ब्लड के एक्सचेंज में वो ब्लड प्रोवाइड करते हैं, जो फैमिली मेंबर रिलेटिव फ्रेंड्स कोई भी होता है, तो वो जो भी अगर मैचिंग का ब्लड ग्रुप है तो वेल एंड गुड, नहीं मैचिंग का ब्लड ग्रुप होता है, सेम ब्लड ग्रुप नहीं होता, तो वो अपना ब्लड डोनेट कर देते हैं, उसके एक्सचेंज में जो ब्लड बैंक होता है वो उसको वो ब्लड ग्रुप प्रोवाइड कर देते हैं फिर जब नीड होती है उनको, ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग इलनेस या एनीमिक है, जब भी उसको रिक्वायरमेंट है उस पर्सन को तो वो तब कर देते हैं। तो इसमें डेजिग्नेटेड मतलब एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस होता, मतलब डेजिग्नेट किया जाता है किसी को, तो वो कोई भी हो सकता है, रिलेटिव, नोन, फ्रेंड्स, अननोन, तो वो डोनेट कर देते हैं, ब्लड के एक्सचेंज में ब्लड रिसीव किया जाता है। ठीक है, और अगर सेम ब्लड है उसको मिला है तो क्रॉस मैच करके और उसको फिल्टर करके देन स्टोर करके फिर जब उसको रिक्वायरमेंट होती है तो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब बारी आती है क्या ब्लड डोनेशन क्राइटेरिया कि ब्लड डोनेशन का क्या क्या क्राइटेरिया, जैसे मैं आप थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी वो सब क्राइटेरिया अब डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। जो एज होती है वो 18 to 65, मतलब अबव 18 होना जरूरी है ब्लड डोनेट करने के लिए, एंड बिलो 65, 65 से बिलो इसलिए लेते हैं क्योंकि अबव 65 जो हमारे प्रोसेसिंग होते हैं बॉडी ऑर्गन के वो सेल्फ ही स्लो वर्किंग में हो जाते हैं, और वो इतने मतलब एक्सेप्शनल केस अलग होते हैं लेकिन यूजुअली अगर आप एक रेशो देखोगे 90 to 95% वो अपना एचबी बना ले वो उतना ही इनफ होता है। वेट एटलीस्ट 48 kg तो होना ही चाहिए, मतलब मिनिमम 48 और उससे अबव तो होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू हाइट जो हमारा बीएमआई स्केल होता है बॉडी मास इंडेक्स का वो हम मेजर कर लेते हैं, वो उससे बिलो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल से। कैन डोनेट वंस इन 3 मंथ, 3 मंथ में ही एक बार डोनेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट डोनेशन के लिए फिर आपको 3 मंथ, जैसे मैंने आज डोनेट किया तो मैं नेक्स्ट ब्लड डोनेट मेरा जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं डोनेट कर सकती हूँ। जो डोनेट कर रहा है डोनर है उसको इनमें से कोई भी हेल्थ इश्यूज ना होने चाहिए, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी एंड सी सबसे ज्यादा, और बी एंड सी में से भी जैसे कि बी सी एंड
एक और है हिपेटाइटिस बी। ये तीन हिपेटाइटिस ट्रांसफ्यूज होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं ब्लड से, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है? सी। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कौन सा हिपेटाइटिस ऐसा होता है, अगर बी एंड सी दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं आपको, ठीक है, तो आपको जो आंसर करेक्ट आंसर चूज करना है वो कौन सा करना है, वो सी, हिपेटाइटिस सी ट्रांसफ्यूज होता है सबसे ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है। मलेरिया, सिफिलिस, एसटीडी अगर है इनमें से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में बहुत सारी डिजीज आती हैं, एचआईवी, वीडीआरएल, गोनोरिया, सब बहुत सारी डिजीज है, अगर इनमें से कोई भी डिजीज है पर्सन को, तो उसको उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ये जो डिजीज है वो उस पर्सन को डोनेट कर देगा जो इसका ब्लड रिसीव कर रहा है। प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती अगर वो प्रेग्नेंट है, और अगर वो प्लानिंग भी करे तो लास्ट उसको अपने लास्ट 6 मंथ में डोनेट नहीं करना है ब्लड, ठीक है। प्रिकॉशन कौन कौन से लेने होते हैं और नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। मेंटेन करना है स्टैंडर्ड एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन एंड सर्जिकल एसेप्सिस। इसका मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, जो एसेप्टिक टेक्निक्स होती है हमारी, वो मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पेशेंट को सेप्सिस मतलब ट्रांसफर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, कौन सा गॉज की नीडल यूज की जाती है या कौन सा गॉज का कैनुला यूज किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो 16 एंड 18, ग्रे एंड ग्रीन, ठीक है, ग्रे एंड ग्रीन कलर का जो कैनुला होता है वो यूज किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। अगर पेशेंट को सेंट्रल वेनस वीनस कैथेटर है, सीवीपी लाइन है, तो पीआईसीसी लाइन है, अगर ये कोई लाइन है तो इन लाइन से भी हम लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं पेशेंट का ब्लड, प्रेफरेबल फिर कैनुला को नहीं सीवीपी लाइन को दी जाएगी, ठीक है, ये सेंट्रल वीनस कैथेटर को दिया जाएगा प्रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि इसके जो पोर्ट होते हैं मतलब वो इजी टू असेस एडमिनिस्टर करना होता है इसमें, क्योंकि जो बोर नीडल होती है वो आपको ब्रॉड चाहिए ट्रांसफ्यूज करने के लिए, ताकि क्लोटिंग ना हो, रुके ना वो, जो हमारा ड्यूरेशन हम लोगों ने एग्जैक्ट 4 आवर्स का वो उसको मेंटेन कर सके, जो ड्रॉप रेट हम सेट करें उस ड्रॉप रेट से वो जाए इसलिए एडमिनिस्टर हो। ऑलवेज चेक वॉल्यूम ऑफ ब्लड कॉम्पोनेंट, ब्लड कॉम्पोनेंट का जो वॉल्यूम होता है हमें चेक करना होता है, क्योंकि ब्लड जब ट्रांसफ्यूज का हमें पता है कि पीआरबीसी का इतना वॉल्यूम होता है 250 ml, होल ब्लड का इतना होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए और हमें कंपोनेंट चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो यूनिट बैक होता है ट्रांसफ्यूज करने से पहले उसको हमेशा 2 नर्स चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि जिसके का पेशेंट है या जिसके मतलब कि मान लो मेरा पेशेंट है उसको ट्रांसफ्यूज होना, मैंने चेक कर लिया वो मोर देन सफिशियंट है, नहीं, मैंने टाइम्स ऐसा हो सकता है कि मेरे से कोई मिसिंग पार्ट रह जाए, तो 2 क्रॉस चेक करना जरूरी है, एक मैं टीएल हो गया या डॉक्टर हो गया, मतलब कोई भी अदर नर्स हो गई, सीनियर या आपका कलीग्स हो गया, कोई भी ऐसा हो, 2 नर्स को या 2 पर्सन को चेक करना जरूरी है यूनिट बैग, ठीक है। यूनिट बैग में आप क्या क्या चीजें चेक करते हैं, पेशेंट का नाम, उसके मतलब कि उसमें जो चीजें चेक की जाती हैं उसमें क्या क्या चीजें होंगी, कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है, उसके जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट क्या है, कौन सा कंपोनेंट है जो ट्रांसफ्यूज हो रहा है, सारी चीज क्रॉस चेक करनी है पेशेंट के साथ, और उसके साथ एक फॉर्म भी आता है, आपको कंसेंट फॉर्म भी लेना होता है पेशेंट का ट्रांसफ्यूज करने से पहले, कि जो पेशेंट है उसने कंसेंट फॉर्म दे दिया कि नहीं दे दिया, और वो जो फॉर्म आता है उसमें भी सिग्नेचर आपको जो आपके प्रोटोकॉल से हॉस्पिटल के आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन असेस करना होता है वाइटल साइन पेशेंट के एंड स्टे विद पेशेंट फर्स्ट 15 मिनट। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड क्वेश्चन भी है कि पेशेंट के हमें ट्रांसफ्यूजन करने से पहले भी वाइटल असेस करने होते हैं, और जैसे ही ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद भी एक बार आपको वाइटल चेक करने हैं, और फर्स्ट 15 मिनट तक आपको पेशेंट के साथ रहना है। पहले एंड बाद में हम वाइटल साइन क्यों चेक करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि बेसलाइन वाइटल साइन क्या थे और अभी क्या डेविएशन अगर है तो हमें देखने के लिए कौन से वाइटल साइन में, क्योंकि अब मान लो आपने पहले चेक नहीं किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद आप वाइटल साइन चेक कर रहे हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कोई डेविएशन आया है कि नहीं आया, आप सोचोगे ये इसके नॉर्मल वाइटल साइंस है, ठीक है, क्योंकि पल्सेट मान लो 60 to 100 आप उसको नॉर्मल मानते हो, जो पेशेंट आया उसका 62 या 64% थी, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद एकदम उसकी मतलब कुछ देर में अगर उसको रिएक्शन होती है 90 to 98 चली गई, तो इट मींस जो नॉर्मल पल्स रेट में तो है वो, लेकिन वो एक टैकीकार्डिया में जा रहा है वो, मतलब कि उसका जो पल्स रेट नॉर्मल था उसे वो बढ़ रही है, ठीक है। 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज विद इन 4 आवर्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। बीटी सेट शुड बी चेंज आफ्टर 4 to 6 आवर्स, ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, अगर मान लो
दो यूनिट ब्लड पेशेंट को लगना है, तो एक यूनिट ब्लड 4 आवर में लगता, तो दो यूनिट ब्लड 8 आवर्स में लगेगा, तो इसलिए 4 से 6 घंटे में, मतलब कि नेक्स्ट ट्रांसफ्यूजन के लिए आप फ्रेश ब्लड बीटी सेट ही लोगे आप, ठीक है। नॉर्मल सलाइन 0.9% यूज बिफोर ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट हिमोलाइसिस। फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है यहाँ पर, कि जो नॉर्मल सलाइन होता है सिर्फ और सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त यही यूज किया जाता है, इसके अलावा कोई भी फ्लूड यूज नहीं किया जाता। RL, DNS, जितने भी टाइप के हाइपो हाइपर सारे टाइप के जो भी फ्लूड होते हैं कोई भी नहीं, सिर्फ NS। इसके दो रीजन होते हैं, एक तो ये हिमोलाइसिस से प्रिवेंट करता है पेशेंट को, ठीक है, और जो दूसरा क्या होता है कि जो हमारी वेन है उसकी पेटेंसी को मेंटेन करके रखता है। तो ये दो पर्पज से यूज किया जाता है, कि ये हिमोलाइसिस को भी नहीं होने देता, जो RBC हम ट्रांसफ्यूज करेंगे उसको हिमोलाइसिस नहीं होने देगा, एंड सेकेंडली ये पेटेंसी मेंटेन करके रखेगा। अगर बाई चांस किसी पर्सन को कोई रिएक्शन हो जाता है हिमोलाइटिक या कोई भी ऐसा रिएक्शन हो गया जिसमें हमें जो पेशेंट है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना पड़ा, तो हम उस वक्त भी कौन सा सिर्फ फ्लूड दे सकते हैं पेशेंट को, NS, नॉर्मल सलाइन। एक चीज हो रहा है, जो पेशेंट होता है उसको कभी भी कोई मेडिकेशन एडमिनिस्टर नहीं करनी होती, कोई भी एंटीबायोटिक एंटीवायरल कैसी भी मेडिकेशन हो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन उस IV साइट से, उस साइट से नहीं ट्रांसफर करनी है, ठीक है। बिफोर कर सकते हो आप, आफ्टर कर सकते हो, लेकिन ड्यूरेशन में नहीं कर सकते आप, ठीक है। ब्लड शुड बी एडमिनिस्टर एज सून एज पॉसिबल विद इन 30 मिनट्स। एडमिनिस्टर्ड नहीं है यहाँ पर, ये स्टार्ट है, शुड बी स्टार्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही ब्लड इश्यू हो जाता है ब्लड बैंक से, पेशेंट वार्ड में आने तक से लेके पेशेंट को स्टार्ट होने तक का जो टाइम होता है चेकिंग वगैरह सब कुछ करना, विद इन 30 मिनट्स। मान लो 8 o'clock ब्लड आया है, मतलब कि रिलीज हुआ है कहां से, ब्लड बैंक से, तो वो 8:30 पेशेंट का स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसमें आपको अपने जो भी इन बिटवीन के ये वर्क होते हैं, आपका कंसर्न लेना, क्रॉस चेक करना, दो नर्सिस को चेक करना, ये सारे काम आपको जल्दी से जल्दी कर लेने हैं, ठीक है। आपको वेट नहीं करना है कि जो पेशेंट है कि हमें थोड़ी देर में ब्लड लगाएंगे, या फिर मतलब एक पुराना प्रोटोकॉल होता था कि ब्लड ट्रांसफ्यूज आप कर रहे हो तो आप उसको वेट करोगे उसको वार्म करने के लिए। आपको ब्लड को बिल्कुल भी वार्म नहीं करना है। अगर हम 1 यूनिट ब्लड लगा रहे हैं, मतलब कि 1 यूनिट ब्लड एडमिनिस्टर हो रहा है, तो ये न्यू प्रोटोकॉल है, जस्ट मतलब कि अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग आया था, पहले ये प्रोटोकॉल था कि ब्लड को वार्म करके लगाना है, ठीक है, वरना वो डिसअरिथमिया कोज कर देगा। डिसअरिथमिया वो अभी भी कोज करता है, लेकिन अगर सिर्फ 1 यूनिट PRBC है या 1 यूनिट होल ब्लड है, 1 यूनिट होल ब्लड है या PRBC है, कुछ भी है, मतलब हम उसको ट्रांसफ्यूज कर भी देते हैं, तो वो डिसअरिथमिया कोज नहीं करेगा विदाउट वार्मर, क्योंकि आपकी ब्लड बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड है, ठीक है। अगर आप 5 लीटर में 300 ml ब्लड आपने ऐड भी कर दिया तो उसे डिसअरिथमिया कोज नहीं होगा। हाँ, अगर मोर देन 1 यूनिट है, 2 है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, 2 यूनिट भी है, तो आपको ऐसा नहीं है कि ब्लड को वार्म करने के लिए कोई ब्लैंकेट के अंदर रख के छोड़ दिया या पेशेंट को दे दिया कि आप इसको अपने हैंड के बीच में रब करो, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे जगह देखा है गवर्नमेंट सेक्टर्स में या प्राइवेट सेक्टर्स में भी, कि ब्लड को वार्म करने के लिए पेशेंट के रिलेटिव्स को, पेशेंट को दे देते हैं कि आप अपने ब्लैंकेट में रख लो, या हम रख के भूल जाते हैं, हमें 2 घंटे बाद याद आता है अच्छा ब्लड आया था ट्रांसफ्यूज करना है। तो हमें ये सब चीजें प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। ब्लड के लिए वार्मर आता है, स्पेशलाइज्ड ब्लड के लिए बनाया गया है, उस वार्मर के थ्रू अगर हम ब्लड को देते हैं तो वो उस टेम्परेचर पे प्रोवाइड करता है जिससे पेशेंट को डिसअरिथमिया नहीं होता। लेकिन 1 यूनिट ब्लड है तो आपको विद इन 30 मिनट विदाउट डिले वार्म किए बिना उसको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। सेकेंड चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर आती है, कि जो ब्लड होता है उसको कवर करना होता है हम लोगों को, ठीक है। आप जो मतलब कि आपने मैनी टाइम्स देखा भी है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा होता है तो IV साइट के ऊपर जो ब्लड होता है उसको कवर किया जाता है, ठीक है, किसी भी टॉवल से, शीट से, किसी भी चीज से उसको कवर किया जाता है। क्यों कवर किया जाता है? वो इसलिए कवर किया जाता है ताकि जो रेज आ रही है, जो लाइट के थ्रू रेज आ रही है, वो उसका जो कंटेंट है या कंपोनेंट है वो चेंज ना कर दे उसको, या डैमेज ना कर दे RBC सेल को या WBC सेल को, ठीक है। तो ये इसका पर्पस होता है कि कवर करने का, ठीक है। एंड एक चीज और, जो इसमें जो हाइट होती है वो कितना हाइट होता है, जो IV सेट से लेके, जो मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार आप ये क्वेश्चन आता है कि
आईवी सेट की हाइट कितनी होती है जो जिसपे हम ब्लड को हैंग करते हैं और पेशेंट को लगाते हैं, तो वो जो साइट होती है वो हाइट होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एनिमा की भी यही हाइट होती है, ठीक है, जो इवेक्यूएंट एनिमा होता है उसकी भी यही 45 सेंटीमीटर, रिटेन की कम होती है 2018, लेकिन जो इवेक्यूएंट एनिमा होता है जो तभी आपको आउट करना होता है तो उसकी भी हाइट 45 सेंटीमीटर ही होती है। नेवर रेफ्रिजरेट ब्लड इफ नॉट ट्रांसफ्यूज विद इन 30 मिनट्स रिटर्न टू ब्लड बैंक। अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, आपने क्रॉस चेक किया वो ब्लड ग्रुप नहीं निकला, या पेशेंट को कोई फीवर है, कोई ऐसा वाइटल साइन आपको मिल गया, कोई भी ऐसी कंडीशन अराइज हो गई कि अब मतलब कि ये कंडीशन आ गई कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं हो रहा है, तो विद इन 30 मिनट आप उसको टेम्परेचर मेंटेन करके ब्लड बैंक वापस भिजवा दे, ताकि वो किसी और पेशेंट के या इसी पेशेंट को अगर यूज करना है तो वो फिर से ब्लड बैंक वाले उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखे और वो उसको क्राइटेरिया प्रोवाइड करे कि वो यूज हो जाए, वो वेस्ट ना हो। ठीक है, गिव इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट इफ फील एनी कोई अनइजीनेस हो रहा है, कोल्ड है, बैक एक है, डायफोरेसिस मतलब स्वेटिंग होना फोरहेड पे, ठीक है, चेस्ट पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होना जो उसको बिफोर ट्रांसफ्यूजन प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, कोई भी ऐसा अनइजीनेस होना वो आपको इन्फॉर्म करे जितना जल्दी हो सके। वैसे तो आप उनको जो मतलब कि फर्स्ट 15 मिनट पेशेंट के साथ रहते हो, फिर उसके बाद आप एवरी 30 मिनट टू 1 आवर में उसका क्या करते हो, वाइटल साइन चेक करते हो, तो आप उससे रीअसेस भी करते रहते हो पेशेंट को कि मतलब उसको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं हो रहे, उसके वाइटल साइन स्टेबल है कि नहीं है उससे आपको। लेकिन फिर भी अगर इन ड्यूरेशन उसको ये सब इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं तो पेशेंट को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आप एज सुन एज पॉसिबल जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उसके उनके आसपास उनको वो इन्फॉर्म करें, ताकि हम जो नेसेसरी स्टेप्स है वो हम टेकन करें मतलब ले सकें। ठीक है, इंश्योर अबाउट इन्फॉर्म कंसर्न एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर। ये तो हमें सबसे पहले करना होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने सबसे सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करने के बाद फिर उससे कंसेंट लिया जाता है। लेकिन जो कंसेंट का यूजुअली मतलब कि जो प्रोटोकॉल है हॉस्पिटल्स का वो डॉक्टर्स का है। ठीक है, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, सब कुछ हो गया है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, जिस भी रीजन से हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना था हमने किया, हमने सब चीजों का ध्यान रखा, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रोसीजर ही है। ठीक है, तो जैसे अदर प्रोसेस होते हैं इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहते हैं, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं जो इमीडिएट मतलब तभी देखने के लिए मिलती है, तभी कुछ घंटों में, 15 मिनट से लेके कुछ घंटों में, और कुछ डिलेड भी होते हैं जो हफ्तों में देखने के लिए मिलेगी आपको, 24 आवर्स के बाद से लेके कुछ हफ्तों में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, ऐसे देखने के लिए आपको मिलेगी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, हिमोलाइटिक, सर्कुलेटरी ओवरलोड, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया एंड आयरन ओवरलोड, ये सारी इमीडिएट है। डिलेड वाली होती है डिक्रीज हिमाटोक्रिट वैल्यू एंड हिपेटाइटिस बी एंड सी। जैसे कि कोई भी जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ्यूज हो जाता है तो इमिडिएटली तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको हिपेटाइटिस बी ट्रांसफ्यूज हो गया कि सी हो गया, HIV हो गया या सिफिलिस, मतलब क्या कौन सा ट्रांसफ्यूज हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी डोनर को वो सारे हेल्थ इश्यूज नहीं होने चाहिए, नहीं, अगर वो हो गए तो वो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये तभी आपको नहीं पता चलता, ये कुछ ड्यूरेशन के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो हिपेटाइटिस बी सी या जो भी अदर डिजीज अगर वो ट्रांसफर हो गई है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हुई है, तो बाद में ही पता चलेगा आपको, जस्ट ट्रांसफ्यूज होते के साथ नहीं पता चलेगा। हिमाटोक्रिट वैल्यू भी कम हो जाती है, हिमाटोक्रिट में RBC WBC इनका जो कंटेंट होता है ये कम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू 30% से। अब आता है हिमोलाइटिक रिएक्शन। हिमोलाइटिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, मैंने बताया था आपको कि हमें क्रॉस मैचिंग करनी होती है, अगर क्रॉस मैच प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, ब्लड को गलत तरीके से स्टोर किया गया, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया, और मतलब कि बाय चांस किसी और ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया, वैसे तो ऐसा होता नहीं है बट 1000 या लैक्स में से कोई एक ऐसा केस हो गया, तो तब हमें ये रिएक्शंस देखने के लिए मिलती है। तो ये रिएक्शन दो तरीके की होती है, अगर लोकल एरिया में हुई है या सिस्टमिक। लोकल मतलब किसी एक पार्ट में, सिर्फ हाथ हाथ में, पैर पैर में, फेस पे, बैक बैक पे, चेस्ट पे, थाइस पे, सिर्फ किसी एक एरिया में रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है तो उसको हम लोकल कहेंगे। सिस्टमिक मतलब ऑल ओवर बॉडी पे, ठीक है, तो वो रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। लोकल में क्या देखने के लिए मिलेगा, रेडनेस उस एरिया में, ईचिंग और रैशेज। लोकल सिस्टमिक में मतलब ऑल ओवर बॉडी में हाइपोटेंशन, हेडेक, डायफोरेसिस, स्वेटिंग देखने के लिए मिलेगी ओवर, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ठीक है,
एंड एयर हंगर, मतलब उसको ऐसे लगेगा कि मुझे सांस नहीं आ रही है, वो डीप ब्रीथ लेगा, मतलब उसको सफोकेट होना महसूस हो जाएगा, ठीक है। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें साफ सीधा नर्सिंग मैनेजमेंट ये होता है, सबसे पहले तो जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसको स्टॉप करना है आपको, किसी के ऑर्डर की या किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप स्टॉप स्टॉप करोगे, नॉर्मल सलाइन स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ यही एक फ्लूड है जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और फिर उसके बाद आप जो इन्फॉर्म करोगे फिजिशियन को और जो आपके इमरजेंसी मेडिसिन है उसको बेड साइड लेकर आ जाओगे, ताकि जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है आप मेडिकेशन उसको एडमिनिस्टर कर सके एज पर फिजिशियन ऑर्डर, ठीक है। सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, जो ब्लड वॉल्यूम है वो, मतलब जो बॉडी का ऑल ओवर वॉल्यूम था ना, फ्लूड का वॉल्यूम, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट, वो नॉर्मल था, बार बार मतलब कि रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है, या तो उसकी वजह से जितना बॉडी का फ्लूड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, ओवरलोड, लोड से मतलब ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी, ये डिस्निया, डिस्टेंडेड जुगलर वेन, टैकीकार्डिया, बाउंडिंग पल्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग डिस्निया में तो वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लग जाती है पेशेंट को, डिस्टेंडेड जुगलर वेन, जो यहाँ पे वेन्स होती है ना ये बहुत ज्यादा डिस्टेंट मतलब दिख वो प्रोमिनेंट हो जाती है, ट्रैकीकार्डिया, जो पल्स रेट है वो मोर देन 100 हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, अगर आप पल्स पर्सन की पल्स फील करोगे ना आपको तो मोर देन 100 आएगी पर मिनट में, बाउंडिंग मतलब एकदम ऐसे बाउंड करेगी, बाउंस पल्स मतलब आएगी बहुत फास्ट लेकिन बाउंस होंगी एकदम बाउंस की तरह, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें क्या होता है, इसमें भी हम स्लो करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले फाउलर्स पोजीशन, फिर इन्फॉर्म करते हैं फिजिशियन को, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक देंगे, इसमें एनएस नॉर्मल सलाइन नहीं देंगे, क्योंकि नॉर्मल सलाइन का काम क्या होता है, वो वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है, वो ओवरलोड की कंडीशन को और बढ़ा देगा, तो सिर्फ इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक के, ठीक है। फाउलर पोजीशन से क्या होगा, जो उसको डिस्निया हो रहा है ना और ये टैकीकार्डिया, इस ये थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, डिस्निया नहीं होगा और टैकीकार्डिया भी थोड़ा सा मतलब कि, और जो डिस्टेंडेड जुगलर वेन थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिलेगा, डिस्निया हो जाएगा डिफिकल्टी होने की वजह से, जब हम उसको फाउलर पोजिशन का मतलब है 45 से 90 डिग्री जो हेड होता है, हेड एंड होता है वो एलिवेट कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो उसको रिलीफ मिलेगा ब्रीथिंग में, फिर उसके बाद हम फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। हाइपोकैल्सिमिया मैंने आपको बताया था, ब्लड के अंदर सिट्रेट जो होता है हमारा, वो प्रिजर्वेटिव हम लोग ऐड करके रखते हैं, ये बाइंड कर लेता है कैल्शियम को, जिसकी वजह से ब्लड एडमिनिस्टर करने के बाद आपको देखने के लिए मिलता है, जब हम ब्लड वैल्यूज नॉर्मल चेक करते हैं कि एचबी कितना बड़ा, और अगर हम सीबीसी भी कराएंगे तो हमें पता चलेगा कैल्शियम का लेवल, क्योंकि जो कैल्शियम इसने बाइंड कर लिया वो यूटिलाइजेशन का तो नहीं रहा ना कैल्शियम, तो ब्लड आप 1 यूनिट ब्लड दे रहे हो तो 1 ग्राम एचबी बढ़ गया, तो ऑल ओवर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी कैल्शियम की, इसलिए मतलब कि हमें ये चेक करते रहना होता है कैल्शियम, और अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कम वैल्यू हो गई है तो उसको हमें एडमिनिस्टर भी करना होता है और, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली भी देखने के लिए मिलता है, और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं, तो हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। हाइपरकैलेमिया भी इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होती है, ये क्यों होती है हाइपरकैलेमिया, देखिए फ्रेंड्स ये इसलिए होती है, जो मतलब हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या है कि पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाना, ठीक है, जो ये हमारी सेल होती है, जो पोटेशियम का लेवल है ना सबसे ज्यादा सेल के अंदर मिलता है, ठीक है, और सोडियम का सेल के बाहर, जो मतलब कि 135 से 145 है ना सेल के अंदर सोडियम का जितना वैल्यू होता है ना उतना पोटेशियम का सेल के अंदर होता है, ठीक है, तो ये इंट्रा सेलुलर मेजर कॉम्पोनेंट है सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो आरबीसी होती है और हमें पता है उसका 120 डे का सर्वाइविंग लाइफ होती है, लेकिन हमने जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज किया उसमें सारी की सारी तो फर्स्ट डे की आरबीसी नहीं होगी ना, जो 120 दिन बाद, कुछ ऐसी भी होंगी जो 60 डेज पे चल रही होंगी, कुछ ऐसे होंगे जो 100 डेज पे चल रही होंगी, और जो हेल्दी होती है वो 120 तक जाती हैं, जो अनहेल्दी होती है वो पहले भी डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तो जैसे जैसे आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने लग जाती है वैसे वैसे पोटेशियम डिस्ट्रक्ट होने की वजह से सेल्स ब्रेक डाउन हो जाता है, सेल ब्रेक डाउन होने की वजह से जो पोटेशियम सेल के अंदर होता है वो प्लाज्मा में आ जाता है, जिससे कि जो पोटेशियम का लेवल है इंक्रीज हो जाता है, और जब हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा में चला जाता है, सेल के अंदर तो रहेगा नहीं, अब
तो इसलिए हाइपरकैलेमिया होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि जो ये पोटाशियम होता है आईसीएफ टू ईसीएफ शिफ्ट कर जाता है, तो आपको ये समझ में आएगा। तो हाइपरकैलेमिया होने की वजह से हमें पेशेंट में पैरेस्थीसिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, अरिथमिया ये सब देखने के लिए मिलता है। इससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो गया, फिर उसका ट्रीटमेंट हमें देना बहुत जरूरी है। के बाइंडर्स दे सकते हैं, अगर के बाइंडर से भी रिलीफ नहीं है तो पेशेंट को मैनी टाइम डायलिसिस भी करना पड़ता है हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए। लेकिन हाइपरकैलेमिया के और भी हैं मैनेजमेंट, मैंने इसके ऊपर क्लास भी बनाई हुई है कि हाइपरकैलेमिया क्या होता है, कैसे कोज करता है एंड इसको कैसे मैनेज किया जाता है, तो आप वो क्लास भी जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, स्लो करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रेट, इन्फॉर्म करना है फिजिशियन फिजिशियन को, और अरेंज करके रखना है के बाइंडर्स। ठीक है, फिजिशियन के ऑर्डर पे या फिजिशियन के प्रेस्क्राइब करने के बाद ही आपको प्रोवाइड करना है, लेकिन आपको अपने साइड से टाइम वेस्ट ना करते हुए, ताकि फिजिशियन इतने आ रहा है आप अरेंज करके उसको रख सकते हैं। ठीक है, आयरन ओवरलोड इसकी जो फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। कब देखने के लिए मिलती है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकरेंट मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है बार 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 बार, उससे क्या होगा कि जो एचबी का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें आपको ज्यादा मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, एक हीम एंड एक ग्लोबिन, तो हीम का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ग्लोबिन तो प्रोटीन है वो उसका अमाउंट भी बढ़ जाता है, पर वो यूज कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा, तो जो हीम का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से आयरन का ओवरलोड हो जाता है और वो फिर जाके बॉडी में डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्लो करना होता है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होता है, और डीफेरोक्सामाइन इसका एंटीडोट होता है आयरन ओवरलोड का। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, पहला तो क्या है इसमें आयरन ओवरलोड में कि मतलब आयरन ओवरलोड क्यों होता है, ठीक है, और इसका एंटीडोट क्या होता है, डीफेरोक्सामाइन। ठीक है, और जो डीफेरोक्सामाइन है ये इसका एंटीडोट की तरह काम करता है। डीफेरोक्सामाइन क्या करता है, बाइंड कर लेता है जितना भी एक्सेसिव आयरन होता है उसको, और फिर बॉडी को एक्सक्रीट करा देता है थ्रू यूरिन। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा होता है ना उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, तो ये हमें अरेंज करके रखना होता है, क्योंकि हमें पता है अगर आयरन ओवरलोड हुआ है तो इसका एंटीडोट डीफेरोक्सामाइन ही होगा, लेकिन फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। जब डीफेरोक्सामाइन हम एडमिनिस्टर करते हैं तो पेशेंट का वाइन रोज यूरिन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान, मतलब कि ये भी क्वेश्चन आता है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि अगर आप पेशेंट को डीफेरोक्सामाइन दिया है तो कौन से कलर का यूरिन पेशेंट में नॉर्मली देखने के लिए मिलेगा, तो वाइन रोज यूरिन जो पेशेंट को है वो देखने के लिए आपको मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।